हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कैसे दूर रहे नेगेटिव फीलिंग से या सोच से। पहले जान लेते हैं ये नेगेटिव फीलिंग होता क्या है। जो भी सोच हमारे आज के कार्य को या मजा करने के समय को खराब करता है या हमें साधारण जीवन जीने नहीं देता है, वो है नेगेटिव फीलिंग। हम चिंतित रहते हैं अपनी फ्यूचर को लेकर कि क्या होगा, या फिर उस चीज़ से जो ऑलरेडी हो चुका है, जबकि हम जानते हैं जो हुआ है और जो होगा वो हमारे हाथ में नहीं था या फिर नहीं है। इसलिए दोस्तों, अगर आज भी अपने प्रेजेंट टाइम पर हम ध्यान नहीं देते तो हो सकता है कल फिर हम पछताएंगे कि जो हमने समय गंवा दिया, हम कुछ कर सकते थे और कुछ नहीं कर पाए। इसलिए ध्यान दीजिए, हमें नहीं पता क्योंकि हमारे हाथ में कितना समय बाकी है। इसलिए खुल के जिए, खुश रहिए। हम सबको खुश नहीं रख सकते, कोशिश कर सकते हैं, शुरुआत अपने आप से करें। किसी ने कहा है, जियो तो ऐसे जियो, जी भर के जियो जैसे कि आज आपका आखिरी दिन हो, कल का क्योंकि पता नहीं। तात्पर्य है कि इतनी मेहनत करिए कि आपका जीवन सफल हो, कोई पछतावा न हो बाद में कि कुछ नहीं कर पाए और समय चला गया, बर्बाद हो गया। नेगेटिव फीलिंग सिर्फ आपके समय को ही नहीं, अभी तो आपके जीवन को भी बर्बाद कर देता है, जबकि आपका जीवन बहुत कीमती है आपके परिवार एवं दोस्तों के लिए। एक बार उनसे बात करके तो देखिए, शेयर करिए, हर प्रॉब्लम का, मन की दुविधा का सब दूर हम कर सकते हैं। उसके अलावा आप कुछ टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं जिससे आपके नेगेटिव फुल आप दूर रहे, नेगेटिव फीलिंग से दूर रहे। जैसे कि खुद को अपने कार्यों में व्यवस्थित रखिए, व्यस्त रखिए, कुछ समय निकालिए आपकी हॉबीज़ के लिए, जो आपको अच्छा लगता है उसके लिए आप समय निकालिए, एक्सरसाइज कीजिए, खुद को फिट रखिए, ध्यान लगाइए, योगा करिए और बैलेंस्ड डाइट लीजिए। इससे क्या होता है कि आपका मेंटल हेल्थ अच्छा रहता है। सो दोस्तों, स्वस्थ रहिए और मानसिक स्वास्थ्य भी स्वस्थ रखिए, तो नेगेटिव फीलिंग नहीं आएगा। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फीडबैक बिल्कुल वेलकम है। थैंक यू।